जननायक जनता पार्टी और बसपा पार्टी की कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हुई बैठक में पहुंचे जज्बा के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला कहा कि परिवर्तन का एक मजबूत नींव है यह हमारी। उन्होंने कहा कि आज अगर भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो वह गठबंधन है। जो लोग 75 पार की बात करते हैं, इस बार गठबंधन उनको पर्दे से बाहर करने का काम करेगा। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक ढोंग रच रहे हैं कि सरकारी प्रचार में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए करोड़ों रुपए मुख्यमंत्री खर्च कर रहे हैं, मगर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज तक यह नहीं बता पाए कि मुख्यमंत्री जनता से आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं या जनता को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। पूर्व सांसद और जज्बा के सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने 3 सितंबर को हिसार का एयरपोर्ट चालू करने के बारे में कहा कि जिस दिन मुख्यमंत्री एयरपोर्ट को चालू करेंगे उस दिन मैं खुद मुख्यमंत्री को फोन करके धन्यवाद दूंगा, मगर 2014 से अब तक 2019 तक हिसार का एयरपोर्ट चालू नहीं हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो लोग सीबीआई को तोता बोलते थे उन्होंने आज तोते से भी बढ़कर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आज कांग्रेस कहीं पर भी नहीं है, यह लोग अपनी सीट बचाने के लिए लड़ रहे हैं। परिवर्तन की एक मजबूत नींव बसपा जजपा गठबंधन आज प्रदेश में रख रहा है और ये 19वां जिला है और जिस तरह का जोश उत्साह लोगों के अंदर दिखा एक चीज़ साबित होगी कि आज भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने का एक ही विकल्प हरियाणा की जनता के पास है, वो ये गठबंधन है। और मैं तो एक चीज़ बोल सकता हूँ, गठबंधन के साथ ही ये प्रण ले रहे हैं कि जो लोग 75 पार की बात कर रहे हैं इस बार प्रदेश से बाहर उनको करने का काम करेंगे, प्रदेश के अंदर किसान कमेरे का राज बनाने का काम करेंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री एक ढोंग रच रहे और सरकारी प्रचार में भी भ्रष्टाचार करने का काम कर रहे हैं, एक चीज़ साबित होगी कि करोड़ों रुपया हरियाणा के एक्सचेकर का खर्च किया इस यात्रा के नाम पर, मगर आज तक ये नहीं बता पाए कि इस यात्रा के माध्यम से क्या वो जनता से आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं या जनता को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। अगर आशीर्वाद दे रहे तो फिर 5 साल में ये बताएं कि क्यों 80 लोगों की जान गई, क्यों प्रदेश के अंदर गरीब जनता के ऊपर लाठियां बरसाएगी, गोलियां चलाएगी, उनकी प्रॉपर्टी को जलाया गया, क्यों प्रदेश में लाखों करोड़ों के घोटाले हुए, क्यों प्रदेश के अंदर आज हमारी बेटियाँ व्यापारी सुरक्षित नहीं है। एक चीज़ साबित हो जाती है कि केवल मात्र एक कहावत है कि शुद्धी छिपकली मच्छर ज़्यादा खावे, उस चीज़ को आज बीजेपी दर्शाने का काम करिए कि चेहरा सूदा दिखाकर धीरे धीरे इस प्रदेश को अंदर खाते बर्बाद करें। ये मिश्रा जी बैठे 2014 में हिसार आए थे और 2019 आ गया, मिश्रा जी और मैंने उड़ने की बात सुनी है, वो जहाज जिस दिन उड़ेगा मैं मुख्यमंत्री को फोन करके उनका धन्यवाद जरूर करूँगा। दूसरा ये बताया कि बसपा और जेजेपी का जो गठबंधन हुआ है उसका वो कौन सा गणित है जिससे लगता है कि जनता आपके फेवर में वोट करेगी? गणित एक ही है कि किसान कमेरे आगे बढ़ जीत ले अपना चंडीगढ़। आज हमारा लक्ष्य यही है, पिछड़ा हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, छोटा दुकानदार हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, आज सबको साथ लेकर एक परिवर्तन की लड़ाई को हम लड़ रहे हैं और यही परिवर्तन भाजपा को हरियाणा प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाने का काम। तो मेहम रैली में मायावती भी आने वाली है, आप चुनाव डिक्लेयर कराओ, कैंडिडेट हम डिक्लेयर करें। मैं तो आपको एक चीज बोल सकता हूँ, जो लोग सीबीआई को तोता बोलते थे एक चीज़ साबित होगी कि असलियत में उनने तोते से भी बढ़कर सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो अभी कांग्रेस में थी लीडर को लेकर के सोनिया गांधी से कल हुड्डा साहब भी मिलने गए, इस तरह की घटना से क्या लगता है? एक कहावत है, मौका चुके डूमणी जावे अचड़ पचड़, आज ये हालत कांग्रेसियों की है। लीडरशिप तो बहुत दूर की बात है, आज तो विपक्ष के तौर पर भी प्रदेश में कहीं नहीं दिख रही।
बहुजन समाज पार्टी की नेशनल प्रेजिडेंट आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं, और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने मिलकर प्रदेश में जननायक जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन किया है। हमने प्रदेश का बैठक किया था हिसार में, फिर पूरे हरियाणा में जिला स्तरीय बैठकों का प्रोग्राम किया था। आज हम कुरुक्षेत्र में पहुँचे हैं और कल हमारी अम्बाला, पंचकूला, यमुनानगर में लास्ट बैठकें होंगी। पूरा हरियाणा हमने कवर कर लिया है और आज हम एक कार्यकर्ता सम्मेलन में यहाँ पहुँचे। 25 तारीख को महम में रैली बताई जा रही है। जी, उसके लिए क्या रणनीति है आप लोगों की? उसकी रणनीति ये, पूरे प्रदेश में हमने मैसेज कर दिया है, सारे प्रदेश में चौधरी देवीलाल जी का जन सम्मान दिवस जो मनाया जा रहा है महम में, बड़े पैमाने पर हरियाणा प्रदेश से लोग वहाँ जाएंगे, उसी को लेकर मैसेज दे रहे प्रदेश। अगले महीने आचार संहिता लग सकती है। जी जी, तो टिकटों की बात की जाए तो कब तक आपकी पार्टी, क्योंकि पहले आपने डिक्लेयर कर दिया था, जी कब तक कोशिश हो सकती है? उसमें बहुत जल्दी हम लोग बैठेंगे, आज हमारी कल जिले की बैठकें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएगा सारा हरियाणा में, उसके बाद जल्दी बैठ के डिसाइड करके फैसला। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।